बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नन और मैं हूं भाभी और आप देख रहे हैं खाने में तड़का विद नन भाभी। तो आज हमारे किचन में बनी है आइसबर्ग सैलेड जो कि बहुत ही टेस्टी बनती है और बहुत हेल्दी होती है। आप अगर खाना नहीं खाने का मूड हो रहा है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो आप ये सैलेड बनाकर खाएं, आपका पेट आराम से भर जाएगा। चला ये बनाना शुरू करते हैं। एक कप हमने आइसबर्ग लिया है और एक कप हमने जो है बंद गोभी ली है, प्यारे से कलरफुल वाली पर्पल वाली ली हमने, पसंद वाली, हम सबका इज्तिमाई कलर पर्पल कलर फेवरेट है, सबको बहुत ज़्यादा पसंद है हमारे ये कलर। और जो है ये हमने गाजर वो लिया है, खीरा लिया है एक कप जी, और आधा कप हमने एप्पल लिया जिसको हमने इस तरह स्लाइस में काट लिया इसको भी, और दो अंडे लिए थे जिसको बॉयल करके छिलका उतार के इस तरह हमने कटिंग कर ली है। और ये हमने जो है चाय का आधा चम्मच हमने जो है कुटी मिर्ची ली है, नमक हसबे ज़रूरत, चाय का ही आधा चम्मच हमने काली मिर्च ली है कुटी हुई, और मायोनीज लिया है, मायोनीज लिया है, ये हम खाने के 3 चम्मच ऐड करेंगे। ओके, ये देखिए हमने बहुत प्यार सा बॉल लिया है जिसमें हम ये सारी चीज़ें डालेंगे अंडे के अलावा। ठीक है, तो भाभी ये किसके लिए बना रही हैं आप? ये तो हम बना रहे हैं अपनी नन के लिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मोटी हो चुकी हैं और वो बहुत टेंशन में थी कि भाभी मैं बहुत मोटी हो रही हूँ, मुझे कुछ ऐसा बताएं। तो हमने कहा कि चलो हम आपके लिए बहुत अच्छा सा सैलेड बनाते हैं जो बहुत फ़ायदेमंद है, बहुत हेल्दी है ये। और भाभी ने ये भी कहा है कि बेटा आप इसको खाकर जो है ना पराठों की भी आप जी, इनको पराठे के पराठे का नाश्ता होता ही नहीं है। हाँ। तो हमने जो है इनके लिए बनाया है, तो ये जो है सुबह सुबह ये खाएं। हाँ। और नाश्ते में आप पराठा यूज ना करें। हाँ। ये बहुत हेल्दी है, बहुत ताकतवर, क्योंकि जाहिर सी बात है रमजानों के बाद जो है इंसान मोटा ही होता है, पकोड़े शकोड़े समोसे हर चीज तली भी होती बिल्कुल है, और खास करके आपके पास भाभी ऐसी हो जो इतने मजे मजे के खाने बनाती हो तो फिर तो हाथ रुक ही नहीं सकता। तो भाभी ने कहा ये सैलेड भी बहुत अच्छी बनेगी इंशाल्लाह। और ये हमने कुटी मिर्ची डाल दी, इसमें हमने नमक डाल दिया हसबे जरूरत, इसमें हम ये काली मिर्च ऐड करेंगे, यानी भाभी मेरे चट्टे मिट्टे का भी ख्याल रख रही हैं है ना बिल्कुल, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो आपको जो है इनकी वैसे तो हमारे यहाँ लोग मजाक उड़ाते हैं कि भाई ये तो बकरी का खाना तैयार हो गया, सही बात है लेकिन खाना चाहिए, लेकिन ये खाना चाहिए सब्जियों को इस टाइप की ना, ये लोग बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाते हैं। ये देखिए हमने मायोनीज डाल दिया इसमें और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, हाथ से मिक्स करेंगे नहीं बिल्कुल नहीं चम्मच से इस तरह मिक्स कर लेंगे अच्छे से, ताकि नमक मिर्ची और जो हमने मायोनीज डाला है उस सब का अच्छा सा फ्लेवर, और अभी आप अभी आप और मेयो डालेंगी ना, मेयोनीज और डालेंगे बिल्कुल और डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके जी, थोड़ा थोड़ा तो तला रहे हैं थोड़ा थोड़ा इसीलिए इनको ये सैलेड बना के दे रहे हैं ताकि इनकी जो आवाज में थोड़ा सा मसला हो गया पूरे तो बेचारी बिकटिस आ गई है आवाज इनकी अपनी जगह पर आ जाए बिल्कुल, क्योंकि इन्होंने बहुत समोसे खाए बहुत पकोड़े खाए। अच्छा इन्होंने इन्होंने है ना जी बिल्कुल, देखिए इसमें मायोनीज और डालेंगे, ये देखिए जनाब और गया, देखें 4 चम्मच हमने डाला है इसमें खाने के 4 चम्मच मायोनीज, और अगर आपको मायोनीज बहुत पसंद हो तो आप ऐड ज़्यादा कर सकते हैं। हम लोग क्योंकि डाइटिंग के लिहाज से बना रहे हैं वही, तो हम थोड़ा थोड़ा करके खाएंगे, भाभी ये मुझे पूरा देने वाली नहीं है बोल रही थी जी, नहीं एक बॉल आपका और एक किसका है, एक हमारा है एक हमारी सास का है। हाँ सब ने बहुत पकौड़े खाए। हाँ और ये तो सिर्फ मजाक की बात है कि आप वेट गेन कर लेते हैं, आपको हेल्दी रहने के लिए भी आप फिट रहने के लिए भी अच्छा खाना चाहिए जी बिल्कुल, इतना ये सब चीजें तो यूज में रखना चाहिए आपको, और बहुत मिर्च मसाले वाले खाने खा रहे होते हैं हम लोग, तो उसके लिए हमें ये साथ भी रखना चाहिए साथ में कि कभी ये खाएं तो कभी वो खाएं, तो और फिर इससे वेट गेन भी नहीं होता भाभी, बिल्कुल बैलेंस बराबर रहता है, वरना तो खास करके लड़कियां जो होती हैं हाँ। वो जरा सा भी मोटी होती है तो उनको टेंशन शुरू हो जाती है कि अरे हम मोटे हो गए, जैसे भाभी मुझे कह रही थी कहाँ से मोटी हुई हो बेटा तो इसलिए जो है आप अब ये देखें जो है ये हमारे अच्छे से मिक्स हो चुके हैं, अब हम इसको जो है प्यारे से ट्रे में निकालेंगे, इसको अब ये बिल्कुल रेडी है, इसमें अच्छे से हमने मिक्स कर लिया, अब हम इसमें जो है ये अंडे जो हमने कटिंग किए थे वो हम इसमें डालेंगे, और जैसे कि भाभी कहती है हमेशा कि बेटा जो है खाने की प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए जी, 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 उसको देख के इंसान खाता है जी बिल्कुल, उसी को देख के इंसान खाता है और खुशी खुशी खाता है कि जब ये जो है देखने में इतना अच्छा लग रहा है तो खाने में कितना मजे का होगा। अभी जल्दी करें बारिश हो रही है, तो हाँ मौसम हो गया बारिश का बिल्कुल, जल्दी करें और ये देखें बिल्कुल से रेडी है, ये देखें आप
इसको ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह आप लोग को बहुत पसंद आएगा। जो अपने मोटापे से परेशान है वो इसको ज़रूर यूज़ करें, दिन में आप एक टाइम खा लें बस, बिल्कुल तो बहुत है। तो इस तरह आप ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह पसंद आएगा। पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपने दुआओं में बहुत याद रखिएगा। और अच्छा खाएं, अच्छा बोलें, अच्छा सोचें, फिट रहें। मिलते हैं इसी सोच के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।